आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे सामने प्रश्न है कि दो बिंदुओं a, 2, 0 और b, 3, 1 को मिलाने वाली सरल रेखा a के प्रति वामावर्ती दिशा में 15 डिग्री से घुमा दी जाती है। तो पहला प्रश्न है कि इस रेखा का समीकरण नई स्थिति से निकालें, और दूसरा यदि b की नई स्थिति c हो तो c के नियामक क्या होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो रेखा है वो है 2, 0 और 3, 1। तो 2, 0 और 3, 1 इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? y-y1 = y2 - y1 / x2 - x1 (x - x1) ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से मान मिल जाएगा y - y1 = 0 / y2 - 1 / y1 = 0 / x2 = 3 - x1 = 2 / x - x1। और अब आप यहाँ से इसे हल कर सकते हो। यहाँ से मान मिल जाएगा आपको y = 1/1 (x - 2), तो y = x - 2। अब हमें y का मान मिल जाएगा। अब दोस्तों आप देखिए, इन्होंने जैसे कहा है कि a के प्रति वामावर्ती दिशा से 15 डिग्री घुमा दी जाती है। तो रेखा की पहले प्रवणता देखिए क्या है। यहाँ से देखिए, अगर y = mx - c से तुलना करोगे तो m = 1 मिलेगा, जो कि है tan 45 के बराबर होता है। यानी कि जो इसका x अक्ष से झुकाव है वो कितने अंश का है? 45 अंश का। अब 45 अंश की स्थिति है, ठीक है, किसी रेखा की। और अगर उस रेखा को आप वामावर्त दिशा में किसी भी बिंदु के सापेक्ष 15 डिग्री और घुमा देते हो तो आपको क्या मान मिल जाएगा? ये देखिए, यहाँ से ये है आपका 45, ये 45 डिग्री है, ठीक है। और इसमें अगर आप 15 डिग्री और जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा? 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर यहाँ किस बिंदु के सापेक्ष है? ये ए बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, ए। और ए के निर्देशांक क्या हैं? ए के निर्देशांक हैं 2, 0। तो 2, 0 ये रेखा थी, और अभी ये पहले जा रही थी 3, 1 से जा रही थी। अब ये घूम गई वामावर दिशा में, तो अब कितना कोण बनाने लगा? ये 60 अंश। तो अब 2, 1 से जाने वाली रेखा और 2, 0 से जाने वाली रेखा जो एक अक्ष से 60 अंश का कोण बनाए, उसका समीकरण क्या होगा? ये है आपका x1, ये है y1। तो यहाँ से हो जाएगा y - y1 = mx - x1। तो यहाँ से हो जाएगा y - 0 = m (tan 60) (x - x1) (2). ठीक है, तो y मिल जाएगा y = √3x - 2, यानी कि y = √3x - 2√3, ठीक है। ये y का मान मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से आप दोस्तों देखो कि ये नई रेखा का समीकरण मिल गया। अब इन्होंने बोला है यदि b की नई स्थिति c हो तो c के नियामक क्या होंगे। इनका कहने का मतलब, जो बिंदु b है यहाँ था जब ये रेखा घूम गई, ठीक है, तो ये भी पहुँच गया होगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं किसी स्थिति पर होगा। तो वही स्थिति पूछ रहे हैं दोस्तों कि अब b की नई स्थिति क्या होगी, क्योंकि b भी जो है वो 15 डिग्री और घूम गया, तो यहाँ पर ये c है।
तो उस स्थिति में जो समीकरण बनता है उसको उसके सूत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर नई स्थिति है उसके उसके निर्देशांक है एक्स डैश कॉमा वाई डैश, तो एक्स डैश का मान होगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ठीक है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, तो एक्स की जगह मान क्या मिल जाएगा हमें, एक्स बराबर यहाँ पर दिया हुआ है तो 3, तो 3 हो जाएगा, और कॉस 15 माइनस वाई की जगह हो जाएगा 1 साइन 15, ये आपको एक्स डैश का मान मिल गया। तो इसको दोस्तों हल कर लीजिए, तो 3 cos 15 माइनस 1 sin 15 का मान आ जाएगा 2.63, तो एक्स डैश का मान मिल जाएगा 2.63। और अब वाई डैश का मान निकाल लीजिए, तो वाई डैश के लिए सूत्र लगाएंगे वाई डैश बराबर x sin थीटा धन y cos थीटा, यानी कि 3 sin 15 धन 1 cos 15, यानी कि यहां से आपको क्या मान मिल जाएगा, 3 sin 15 धन कॉस 15, 1.74। तो वाई डैश का मान मिल जाएगा 1.74। तो सी जो कि सी बिंदु है, नए निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स डैश कॉमा वाई डैश बराबर क्या मिल जाएंगे, 2.63, 1.74। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।